Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Good morning. कैसे आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे. नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं गाइज. और आज मिला है मुझे सुबह सुबह सिलवासा की ड्यूटी. रात को ही कंफर्म हो गया था, तो घड़ी में देख सकते हो 5:06 हो गया है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ. विरार से पिकअप है मेरा और आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि सिलवासा जाने में विरार से और सिलवासा कितना घंटा लगेगा. बेसिकली मैं एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ घर से, तो देख सकते हो मेरे पास 2 पॉइंट पड़ा हुआ है और किलोमीटर 0 कर दिया है. ठीक है, देख लो, ये ट्रिप 1 में 105 किलोमीटर कल गाड़ी चली थी और आज देखो 0 कर दिया दूसरे ट्रिप में. ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा. और अभी यहाँ से विरार दिखा रहा है मुझे 1 घंटा 41 मिनट. आपको दिखाते हैं नेविगेशन में और बने रहिएगा इस वीडियो में. और कितना गैस लगने वाला, कितना घंटा लगने वाला है और गुजरात का टैक्स कितना लगता है वो भी दिखाएंगे. तो सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में और बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि जो वीडियो डालूं पहले आप लोगों को मिल सके. चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. सो गाइस, तो आ जाते हैं नेविगेशन में और यहाँ से देखो रुस्तमोजी एवेन्यू D1 जहाँ से पिकअप करना है. 57 किलोमीटर जाना है मुझे. ये देखो अभी 1.5 घंटे बता रहा है, 6:40. तो मुझे अभी टाइमिंग मैंने डाला है 5:30 का, अभी 1.5 घंटे बता रहा है. ये देखो यहाँ से, और अगर मैं सीधे जाऊँ तो 1:40 मतलब 7 बजे के तकरीबन पहुँच जाऊँगा. अगर मैं नाला सोपारा होके जाता हूँ विरार, ठीक है, देख सकते हैं नाला सोपारा होके विरार अगर जाऊँगा तो मैं 1:33 पहुँच जाऊँगा. 7 मिनट पहले दिखा रहा है. ओके, तो यहाँ से जाना है मुझे कहाँ पर, ये सिलवासा, ये है ना सिलवासा, यहाँ पर जाना है जो कि गुजरात में आता है. तो चलिए सीएनजी पंप है और सुबह सुबह भाई मेरा रोड का हालत देखो, लाइट वाइट सब बंद है और 5:35 हो गया. तो चलो गैस भरा के मिलते हैं. गाइस, तो मैंने भराया गैस 560 रुपये का और ये देख सकते हो फुल हो गई है टाके. ठीक है, 1 पॉइंट बचा था यहाँ मीरा रोड में मैंने भराया है. और यहाँ से अब निकलते हैं सीधे विरार और विरार से पिकअप करके निकलेंगे सिलवासा. ठीक है, और कितना गैस अभी लगेगा जाने में अब देखते हैं. और सुबह सुबह देखो भाई 6 बजने वाले हैं और बारिश का नाम नहीं ले रहा है बंद होने का. थोड़ा थोड़ा हो ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बट बारिश नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा यार. गैस बारिश होना भी ज़रूरी है क्योंकि कल इतना गर्म हो रहा था, कल और परसों 2 दिन बारिश हुआ ही नहीं, तो इसलिए आज ज़रूर होना ज़रूरी है. लेकिन वेदर ऐसा हो रहा है कि क्लियर हो जाएगा क्लाइमेट. ठीक है, नाला सोपारा वेस्ट में पहुंचा और देखो 7:16 15 मिनट लेट हो गया मैं. अभी 6 किलोमीटर 15 मिनट दिखा रहा है और अभी क्या बोलूं, थोड़ा सा लेट हो गया उधर ट्रैफिक. मैं देखो 2 घंटे पहले ही निकला था फिर भी यार जाम में अटक गया. और इधर देखो बारिश ही नहीं उतनी. और अभी ये नया रास्ता बना है विरार वेस्ट जाने के लिए नाला सोपारा से, तो बने रहिएगा. और अब हम चलते हैं सीधे, वो नीचे खड़े हैं सर वेट कर रहे मेरा, तो चलते हैं सीधे सिलवासा पहुंच के और आपको रास्ते का व्यूज़ भी दिखाएंगे और कितना गैस लगा वो अब भी बताएंगे. अभी देखो गैस 2 पॉइंट नीचे उतरा है, ट्रैफिक हो गया था ना इसके लिए. तो चलिए बने रहिए एकदम मस्त टकाटक, चलते हैं, लेट्स गो.
सो गाइज, तो हमने कस्टमर को पिकअप करके मोबाइल में हम आपको नेविगेशन दिखा देते हैं। विरार से कितना घंटा दिखा रहा है आपको? 122 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे, देख रहे हो, 2 घंटे 54 मिनट, 10:30 बजे का पहुंचने का टाइम दिखा रहा है यहाँ से विरार से, जो कि आप नेविगेशन के माध्यम से देख सकते हो। मैंने पिकअप किया, थोड़ा लेट हो गया था तो कस्टमर आके नीचे खड़े थे, तो मैं नेविगेशन से आपको दिखा देता हूँ सिलवासा जाने का है। और चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट सिलवासा, पहुँच के मिलते हैं आपसे। लेट सो गाइस, तो ले लिया है मैंने टीपी, जो कि 48 रुपये का पड़ता है, गुजरात का ऑनलाइन टैक्स, जो कि आप गुजरात में इंटर करने से पहले ही आप टीपी निकालो, जो ये ट्रक वाले खड़े हैं यहाँ पे निकलता है। और ये लोग 48 के बदले 5500 रुपये लेते हैं, क्योंकि दुकान खोल के जो बैठा है भाई उसको भी कमाना है। मैं सुबह सुबह मोबाइल से ट्राई कर रहा था, क्योंकि हर बारी मैं मोबाइल से ही निकलता था बट नहीं निकल पाया था, तो मैं यहाँ से निकलवा लिया। और अगर आप आते हैं सिलवासा या दमन आते हैं तो 2 टीपी निकालना पड़ता है आपको। एक सिलवासा का अंदर जब जाएंगे दादरा नगर हवेली, वहाँ पे आपको 30 रुपये का, जो कि फॉरेस्ट वाला रहता है, और वहाँ से अब वो 48 रुपये का गुजरात टैक्स। चलिए, हम पहुँच चुके हैं थ्रीट रिसोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो, वेलकम टू ट्रीट रिसोर्ट है। मैं थ्रीट बोल रहा था, ये ट्रीट रिसोर्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा, देख सकते हो एकदम। ये लॉबी एरिया है, क्या मस्त लग रहा है भाई, घोड़े का स्टैचू, और ये देख सकते हो भाई। चलिए हम गाड़ी में बैठते हैं और आपको, और देखो 10:24 और 7:30 बजे वहाँ से निकला था, 3 घंटे लग गया आने में सिलवासा से, अपना विरार से सिलवासा आने में 3 घंटा। और बिले पार्ले से पकड़ोगे तो आप वहाँ से 5:30 बजे निकला था, तो 10:30 हो रहे, तो मतलब 5 घंटे। और गाड़ी चली है 187 किलोमीटर, और देखो 2 पॉइंट CNG रह गई, 560 रुपये का जो गैस भराया था मैंने उतना ख़त्म हो गया, क्योंकि भाई थोड़ा ट्रैफिक था सुबह सुबह, तो मुझे लेट हो गया था पहुँचने में भी कस्टमर के घर पे। तो आपको सारा जानकारी बता दिया इस वीडियो के माध्यम से, और कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट में करना, और ढेर सारा प्यार देना। और